सुन के मेरे मुंह में पानी आने लगा है। इसमें हम मौजूद हैं दी थालीलैंड रेस्टोरेंट में और यहाँ की वजह शौहरत यहाँ के इंडियन खाने हैं। इस मुनफरिद आइडिया को जिन्होंने मुतारिफ कराया है, आइए आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है अलीशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तो मुनफरिद सा आइडिया है और साथ ही साथ क्योंकि आइडियाज तो हम सब के माइंड में बहुत सारे आते हैं, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या दुश्वारियाँ आई? काफ़ी मुश्किल रहा शुरू के 2 साल तो, काफ़ी लोग नए थे, इनको पता नहीं था कि क्या चीज़ है ये। सही नहीं, देखें जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आइडिया तो मुनफरिद है ही, ये आइडिया कहाँ से आया और इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया गया? कज़न वाले जो मेरे बैकग्राउंड है वो इंडिया से थे, तो उनकी वजह से उनका भी थोड़ा फोकस था कि ये आइटम यहाँ कराची में लाई जाए। नाम कैसे सोचा? नाम असल में हर आइटम ही थाली में है ये, तो उस हिसाब से हमने इसका नाम ही थाली लैंड रखा था ताकि हर चीज़ जो सर्व होती है वो थाली में ही होती है। अच्छा, स्टार्टिंग में लोगों को नया, जिनको पता है कि डोसा क्या होता है, थाली क्या होती है, खाउसे क्या होता है, उनके लिए अच्छा है, लेकिन अब ये है कि माशाल्लाह फीडबैक भी अच्छा आ रहा है, कस्टमर भी रिपीटेड आ रहे हैं, और जो कस्टमर रिपीट आते हैं तो मतलब उनको टेस्ट पसंद आ रहा है उस हिसाब से। वो कितना टाइम हो गया? 4 ईयर्स हो गए इसको। अच्छा, जिस तरीके से जो है वो आपकी, चूँकि इंडियन कुजीन है तो रेसिपीज भी डिफरेंट हैं, तो जो शेफ हजरात हैं उनकी ट्रेनिंग आपने कहाँ से करवाई? शेफ की ट्रेनिंग ज़्यादातर तो अपने यूट्यूब से उन्होंने सीखा था, बाकी एक इंडियन लेडी है उन्होंने आके इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी थी, तो अभी भी जैसे ढोकला हो गया, चावल का आटा जो डोसे का आटा बनता है वो भी उन्हीं से बनता है, वो आके बना के यहाँ देके चले जाती, लड़कों को भी उन्होंने ही ट्रेनिंग किया था। कभी ऐसा हुआ है इंडियंस आए हो उन्होंने बताया हो कि ये वही सेम टेस्ट है जो हमने वहाँ ट्राई किया? काफ़ी, और काफ़ी खुशी होती है उनको भी आते हुए कि जैसे किसी के गेस्ट आते हैं इंडिया से तो खास प्रॉपर यहाँ लेकर भी आते हैं। डिफरेंट चीज़ हमारे पास तकरीबन 168 आइटम है, इसमें बारबेक्यू के आइटम में भी हमने थाली निकाली हुई है, थाली के स्टाइल में बारबेक्यू सर्व करते हैं, चाइनीज़ है वो भी हमने थाली के स्टाइल में निकाला हुआ, चाइनीज़ भी थाली में सर्व होता है, उसमें क्या कस्टमर को एक साथ सारी चीज़ें ट्राई करने का मौका। आपके पास जो थालियों की इकसाम है वो कितनी है? 6 किस्म की थाली है हमारे पास। 6 इकसाम है, चाइनीज़ हमें पता चल गई और एक वो जो ट्रेडिशनल होता है जिसमें दाल चावल होते हैं, उसके अलावा बताइए। वेजिटेबल थाली भी है, प्योर चिकन थाली भी रखी है, जिसको वेजिटेबल नहीं पसंद होता तो उसके लिए चिकन थाली। वेजिटेबल थाली है उसमें कौन कौन सी सब्जियाँ हैं? रोज़ मेन्यू चेंज होता है उसका, जैसे दाल तो फिक्स है, दाल चावल तो लोग खाते ही, दाल चावल फिक्स है, कभी उसमें कड़ी ऐड हो जाती है, मिक्स वेजिटेबल हो जाता है, आलू हो जाता है, मूंग की दाल हो जाती है, पालक पनीर हो जाती है, डिफरेंट डे का डिफरेंट मेन्यू होता है, चेंजेस करते रहते हैं। चिकन थाली है उसमें सिर्फ चिकन की आइटम्स होगी आपके पास, डिशेज होगी। जो चिकन के आइटम्स होते हैं उसमें क्या क्या होती हैं? क्रीमी चिकन होती है, चिकन मखनी जिसको बोलते हैं बोनलेस में, उनके मेरे मुंह में पानी आने लगा है। चिकन होती है उसमें, एक कोरमा चिकन होती है जो कराची वालों को कोरमा तो पसंद ही है, और उसके साथ एक बारबेक्यू चिकन हम सर्व करते हैं। बारबेक्यू चिकन, क्रीमी चिकन, कोरमा चिकन, कोरमा चिकन और एक ट्रेडिशनल कढ़ाई जो होती है, कढ़ाई जो होती है और सब बोनलेस में ही होती है। संभारा होता है, इंडिया की ट्रेडिशनल डिश है ये, जो गोभी का बना हुआ होता है, वो उसके साथ होता है, अचार होता है, छाछ होती है जिसको नमकीन लस्सी कहते हैं वो भी होती है उसके साथ, और रोटी होती है, 2 पूड़ी 1 पापड़ होती है। यकीनन हम इनका मेन्यू भी देखेंगे और यहाँ पर इनका टेस्ट भी ट्राई करेंगे। अच्छा ये तो आपने मुझे थालियों की इकसाम बताई ना, और बारबेक्यू में मुझे बताएं? बारबेक्यू में अचारी टिक्का है, नॉर्मल टिक्का है, बिहारी टिक्का है, बाकी बोटी वगैरह है, चिकन बोटी, बीफ बोटी, ये तो जो नॉर्मली हर जगह अवेलेबल होता है। टाइमिंग्स क्या है आपकी? टाइमिंग्स लंच टाइमिंग से स्टार्ट होता है 3 बजे से रात 2 बजे तक। देख सकते हैं कि मेरे सामने अनबॉक्स शाम के खाने मौजूद हैं, और अगर मैं बताऊं कौन कौन से हैं तो ये देखें आप, ये यहाँ पे पाव भाजी है, उसके अलावा पेपर डोसा है, मसाला डोसा है, अल्फ्रेडो पास्ता है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये थाली में मौजूद हैं जिसमें दाल चावल सब्जी यानी मिक्स सब्जी है, और यहाँ पर ये मौजूद है खाउसे, उसके अलावा ये मौजूद है ढोकला। तो जनाब ढोकला से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ढोकला कैसा है। इसके साथ चटनी है लहसुन की और बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है, और ये मैं आपको बताऊँ ये बनता कैसे, ये दाल और चने की जो दाल होती है वो और चावलों को सोख किया जाता है और सोख करके रखा जाता है एक टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद इसे ग्राइंड किया जाता है और फिर इसे स्टीम दी जाती है, और भी जो है वो इसके प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बाद जाके इस शेप में ही आता है। और यहाँ पर ये पूरी मौजूद है, पूरी इसकी इनकी ट्राई करते हैं, कढ़ी के साथ ट्राई करते हैं।
ज़बरदस्त। चले जी पाव भाजी ट्राई करते हैं। ये जो है ये मक्खन में बना हुआ है और बड़ा क्रिस्पी सा है, और ये जो इसकी भाजी है ये इसमें ना सिर्फ आलू बल्कि बहुत सारी सब्जियां हैं, और टेस्ट करते हैं कैसा है। ज़बरदस्त। अगर आप आएँ तो ये ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बहुत ही डिलीशियस इसका टेस्ट है। उसके साथ साथ हम ये पास्ता भी ट्राई करते हैं। और पास्ते का टेस्ट कैसा है आपको बताते हैं। बहुत मज़े का टेस्ट है इसका, लेकिन ये चावल ज़रूर मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि ये यहाँ की स्पेशलिटी है। अच्छा अब हम इसमें ऐड करते हैं साथ साथ, ये खोपरे की चटनी है ये भी ऐड करते हैं, और ये जो दाल है ये भी ऐड करते हैं, और इसके बाद इसका टेस्ट देखते हैं कैसा। अच्छा ये चीज़ें हालांकि मैंने अलग अलग मिक्स की हैं लेकिन इसके बावजूद जब मैं इसे खा रही हूँ तो बिल्कुल एक टेस्ट आ रहा है, यानी हर चीज़ का, खोपरे की चटनी, दाल, कोरमा और ये जो भाजी, ये सबका टेस्ट एक बिल्कुल हो रहा है। और साथ साथ ये देखें आप, हरी चटनी मौजूद है यहाँ पर, यानी जो स्पाइसी खाते हैं वो चटनी भी मिक्स कर सकते हैं। चले जी अब ये खौसे ट्राई करते हैं, और इसकी ख़ास बात क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसकी ख़ास बात ये है कि आपने मार्केट में देखा होगा जो खौसे अवेलेबल होते हैं वो मिक्स होते हैं, यानी कि तमाम चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर जो चीज़ आपको ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखें ये लहसुन है, उसके अलावा ये फ्राई की हुई स्पैगेटीज़ हैं, ये मिर्चें हैं इसको भी फ्राई किया गया है, और साथ साथ ये मसाला है ये भी हम ऐड करेंगे। अब कोई ज़्यादा मसाला खाता है कोई कम मसाला खाता है तो वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकता है। और ये है जी कढ़ी। अच्छा एक कढ़ी भी हम ऐड करेंगे और देखेंगे फिर इसका टेस्ट कैसा है। बहुत फ्रेश फीलिंग आ रही है इससे, बहुत ही फ्रेश है, बहुत मज़े का है। अच्छा ये है मसाला डोसा, इसको हम ट्राई करते हैं, और इसको ये देखें आप, ये इसके साथ जो उसकी भाजी दी गई ये भी ट्राई करते हैं। ये बहुत क्रिस्पी है, यानी इतनी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, मैंने हर चीज़ का एक डिफरेंट टेस्ट है। हालांकि अगर आप देखें तो तकरीबन वही चीज़ें, वही आलू है, वही मसाले हैं, वही सब्ज़ी है, वही चीज़ें जो है वो घूम फिर के यूज़ हुई हैं, लेकिन सबका टेस्ट डिफरेंट है। अब ये देखते हैं। चले जी अब लास्ट में हमारा रह गया ये मोमोस, और ये हम खाते हैं। इसके साथ आप ये देखें, ये लहसुन की चटनी है स्पाइसी सी, और इसके साथ ये सिरका जो है वो सर्व किया गया है। इसको हम ट्राई करते हैं ये कैसा है। और ये गिलगिती डिश है और बहुत मज़े की है, दोनों चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, बहुत मज़े की है। ये पाव भाजी है, पाव भाजी में इनकी जो रेसिपी है उसमें इन्होंने आलू के साथ साथ तमाम सब्ज़ियाँ जो है वो मिक्स की हैं, और बहुत डिलीशियस इसका टेस्ट है। यानी इसके साथ इन्होंने अचार भी सर्व किया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं वो अचार के साथ भी खा सकते हैं, और हर चीज़ का एक अपना टेस्ट है। मैंने तमाम चीज़ें यहाँ पे ट्राई की और मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद आया। इंडिया के जो खाने हैं तो उससे भी काफ़ी मशहूर है थालीलैंड, जैसे कि मसाला डोसा और पाव भाजी, इट्स वेरी गुड टेस्ट। थाली इसलिए कि यहाँ की जैसे एक ये देसी फूड है और हम लोगों को ये अच्छा लगता है, और यहाँ का जैसे साफ़ सुथरी हर चीज़, थाली है, कड़ी खौसा है, ये चीज़ें हर जगह पैसे नहीं मिलती है। मुझे यहाँ का तिक्का बोटी बहुत पसंद है, मैंने बाकी जगहों का भी ट्राई किया है लेकिन मुझे इधर का टेस्ट, इधर का लुक बहुत अच्छा लगता है। जी तो नाज़रीन स्ट्रीट फूड में ये थी हमारी आज की डिस्कवरी। अगर आपने यदि थालीलैंड का फूड ट्राई नहीं किया तो यू मस्ट कम हेयर एंड ट्राई देयर डिलीशियस इंडियन कुजीन। अल्लाह हाफिज़।